नमस्कार दोस्तों, बोल्ड स्काई में आपका स्वागत है। हमें सोते समय तरह तरह के सपने आते हैं जिनका एक अलग मतलब होता है। कुछ सपने आपके भविष्य के बारे में कुछ संकेत देते हैं तो कुछ वर्तमान की किसी घटना से जुड़े हो सकते हैं। दरअसल सपनों की अपनी एक अलग दुनिया होती है और भविष्य के लिए अलग तरह के संकेत होते हैं। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, अगर आप सपने में खुद को पूजा करते हुए देखते हैं तो इसका क्या मतलब हो सकता है। अगर आप भी कभी सपने में खुद को पूजा करते हुए देखते हैं तो आप पूरी तरह से ईश्वर की भक्ति में लीन हैं और सोते जागते आपको ईश्वर की भक्ति ही दिखाई देती है। ये सपना अपनी अटूट श्रद्धा का प्रतीक हो सकता है, इसलिए ऐसे किसी भी सपने को एक शुभ संकेत ही माने और इससे घबराए नहीं। अगर आपको ऐसा कोई सपना आए तो किसी देव स्थान के दर्शन जरूर करें। इसके अलावा अगर आप खुद को सपने में पूजा करते हुए देखते हैं तो ये आपके लिए समृद्धि के संकेत देता है। ऐसा कोई भी सपना इस बात के बारे में बताता है कि बहुत जल्दी ही आपके जीवन में कुछ नए परिवर्तन होने वाले हैं जिनका आपके ऊपर सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। ऐसे किसी भी सपने को आप अपनी समृद्धि का संकेत ही समझें। अगर आपके जीवन में कोई बड़ी समस्या लंबे समय से चली आ रही है जिसका निवारण नहीं मिल पा रहा है तो समझें कि कठिनाइयों का अंत होने वाला है। अगर आप सपने में किसी विशेष मंदिर में पूजा करते हुए खुद को देखते हैं तो समझें कि आपकी कोई बड़ी मनोकामना जल्द ही पूरी होने वाली है। ऐसा कोई भी सपना इस बात की ओर भी इशारा करता है कि शायद आप बहुत जल्द ही उस मंदिर में दर्शन के लिए जाएंगे। ऐसे सपने का एक मतलब ये भी हो सकता है कि आप शायद उस मंदिर में काफी समय से जाने की इच्छा रखते हैं और किसी कारणवश नहीं जा पा रहे हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई ऐसा सपना दिखाई देता है जिसमें आप पूरे परिवार के साथ पूजा कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपके किसी कठिन काम में परिवार का साथ मिलने वाला है। ऐसे किसी भी सपने को काम की सफलता का इशारा ही समझें। ऐसा सपना आपके लिए सभी तरफ से सकारात्मक संकेत दे सकता है। आपको ये सभी जानकारी ज्योतिषाचार्य के आधार पर बताई गई है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।